तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय हो तुम। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। डॉक्टर कलाम जी द्वारा कही प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ आप सभी को सुप्रभात। मैं मीनाक्षी चौधरी, कक्षा 8वीं की छात्रा, आज की प्रार्थना सभा का संचालन करने जा रही हूँ। हमें यह सोच साथ नहीं रखनी चाहिए कि कल हम क्या नहीं कर पाए, बल्कि इस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि आज हम क्या कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, भारतीय संस्कृति में प्रार्थना का अहम स्थान है। ईश वंदना स्तुति से मन व हृदय को मजबूती मिलती है। आइए दिन की शुरुआत करें और ईश्वर को धन्यवाद अर्पित कर कृतज्ञता के भाव व्यक्त करें। अब सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। प्रार्थना के बाद, हम भारत देश के वासी हैं। देश की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। राष्ट्रीय प्रतिज्ञा देश के नागरिकों में राष्ट्रवाद और एकता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आओ मिलकर देश की रक्षा की प्रतिज्ञा लें, जिसके लिए मैं मंच पर कक्षा 8वीं से रुबीना को आमंत्रित करती हूँ। प्रतिज्ञा के बाद, हमारा व्यवहार, आचरण, स्वभाव, बोलचाल, भाषा, व्यक्तित्व, ये सभी इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमारे विचार कैसे हैं। हमारे विचार हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए और कामयाबी दिलाने में हमारी सहायता करते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, आज का विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ कक्षा 8वीं से मणिका को। सुप्रभात, मेरा नाम मणिका है। आज का विचार, अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब यह नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद मणिका। समाचार हमारे सुबह की पहली जरूरत है। यह ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। समाचार अधिक ज्ञान और सूचना प्राप्त करने के साथ ही कुशलता के स्तर को बढ़ाने का सबसे अच्छा स्रोत है, किंतु जीवन की भागदौड़ में हमें अखबार पढ़ने का समय ही नहीं मिलता। तो आइए आज की खबरों को जानें। आज के समाचार प्रस्तुत करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कक्षा 8वीं से वर्णिका को। धन्यवाद वर्णिका। जीवन की संतुष्टि के लिए मेहनत और संघर्ष सबसे आवश्यक होते हैं। जब जीवन का सबसे मूल्यवान संघर्ष ही है, तो हम में से हर किसी को इससे बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रिय मित्रों, सामान्य ज्ञान, नाम स्वयं ही कहता है कि यह एक सामान्य बात है कि प्रत्येक आम व्यक्ति को होना चाहिए। अच्छे सामान्य ज्ञान होना हमारे व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। अब वक्त है अपने अपने सामान्य ज्ञान को परखने का, जिसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ कक्षा 7वीं से ईशान को। हमारे ज्ञान में वृद्धि करने के लिए ईशान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर लम्हा, हर मौका खास हो जाता है अगर उसे काव्य माला में पिरोया जाए। कविता जीवन को नई चेतना प्रदान करने का अनूठा माध्यम है। यह सुनने में प्रिय लगने वाली, मन को आह्लादित करने वाली, हृदय को स्पंदित करने वाली रसात्मक अभिव्यक्ति है। अब मैं कक्षा 8वीं से मयंक को कविता प्रस्तुतिकरण के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मयंक। भारत हमारा देश है, अर्थात हम सभी अपने देश का आदर व सम्मान करते हैं। राष्ट्रगान देश के इतिहास और परंपरा को दर्शाता है और देश को एक अलग पहचान देता है। अब समय है देश को सम्मान देने का और सभी राष्ट्रगान के लिए तैयार हो जाएंगे। राष्ट्रगान के बाद, लक्ष्य को पाने के लिए मजबूत अपना इरादा करो, हिम्मत बांधो, हमेशा कोशिश थोड़ी ज्यादा करो। हार गए, टूट गए तो दोबारा खड़े होंगे, जीतने का किसी और से पहले खुद से वादा करो। आज की प्रार्थना सभा संपन्न हुई। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।